आपने लॉग इन किया है गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अर्चना गौतम की हो गई है सरेआम बेइज्जती। जी हां, एक इवेंट से अर्चना को दिखा दिया गया है बाहर का रास्ता। यकीन नहीं हो रहा तो गाइज मेरे पास है तमाम वो तस्वीरें। दरअसल बीती शाम मैदान की स्क्रीनिंग रखी गई जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और इस दौरान अर्चना गौतम भी पहुंची थी। अर्चना काफ़ी खुश थी और वो दे रही थी काफ़ी सारे पोजेस कैमरा को देखकर। काफ़ी खुश नज़र आ रही थी अर्चना गौतम, लेकिन अचानक से अर्चना जब पोज दे रही थी तो उनके चेहरे की उड़ जाती हैं हवाइयाँ, क्योंकि वहाँ पर एक महिला गार्ड आती हैं जो कि अर्चना को कुछ कहती हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। और ये देख कर ना जो फैंस हैं वो शॉक्ड हो गए हैं और अर्चना को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। पर गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि खुद अर्चना गौतम ने इस इवेंट के बाद एक इंटरव्यू में ना इस बात का कर दिया है खुलासा। तो थाम लीजिए दिल, अगर नए हैं चैनल पर तो बिना देरी के गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करेगा। दरअसल अर्चना गौतम ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि उन्हें इवेंट से बाहर नहीं किया गया था, दरअसल वो बैंड पहनना भूल गई थी जो कि उस इवेंट में पहनना जरूरी था और वो महिला गार्ड अर्चना के पास आई थी और उन्हें वो वहां लेकर जा रही थी जहां से वो बैंड मिलता है ताकि वो बाद में आकर पोज दे सके। तो यकीनन अर्चना के फैंस पहले काफी निराश हो गए थे, लेकिन अब जब ये पता चला है कि अर्चना को इवेंट से बाहर नहीं किया गया था तो यकीनन फैंस के ना लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और उनके फैंस को बड़ी राहत भी मिली होगी। गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्चना गौतम उस दौरान शॉर्ट स्कर्ट पहने नजर आ रही थी, क्रॉप टॉप पहना था, काफ़ी जच रही थी, काफ़ी खुश थी, लेकिन जब महिला गार्ड आई ना उनके पास तो उनके तो चेहरे के तोते उड़ गए थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।